ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ହାତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇ ମାଆଙ୍କୁ କରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ। ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହ ଖେଳକୁଦ କରେ, ଗୋଡ଼ରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ସହ ନିଜ ଶୁଣ୍ଢରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରି ଖେଳେ କ୍ରିକେଟ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରୁ ପ୍ରାୟ 26 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦୁର୍ଗା ପରମେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ହାତୀ, ଯାହାର ନାମ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ ସାଦରର ସହ କରେ ନମସ୍କାର। ପାଣି ଆସୁଥିବା ପାଇପ୍ରେ ନିଜେ ଗାଧୋଇବା ସହ ନିଜ ଦେହରେ କଟାଯାଇଥିବା ଚିତା ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ସେ ମାଆଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ। ଏଠାକାର ଖାସ୍ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ହାତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଡ଼କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆକର୍ଷଣ କରେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ 8 ମାସ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। 8 महीने से हम इसको ट्रेन कर रहा है, उसको माया दिखा रहा है, प्यार दिखा रहा है, उसको खिला रहा है, पिला रहा है। सुबह में आते हैं, इसको नहलाते हैं, उसके बाद इसको अलंकार करते हैं, नाम चुड़ाते हैं, और उसके बाद देवल पे शाम फ्रेंड जाते हैं, उसको उधर नमस्कार करके फिर वापस उसको राउंड्स पे ले लेकर आके इधर उधर को घास देते हैं, घास, चावल, गुड़ और बीटरूट, कैरेट। उसके बाद हम उसको 2 घंटे 2 बजे पे देते हैं रागी मुद्दे। उसको ट्रेन किया है तो थोड़ा थोड़ा सिखाना पड़ेगा उसको, नहीं तो फिर वो उसको मेमोरी से निकल जाएगा। वो लक्ष्मी को मंदिर जन सदस्य भाव में परिगणित कर जाए। लक्ष्मीर खेलकूद एठाक आसुवा लोक खूब आनंद दे था। एमती छोट छोट पिला लक्ष्मी सह खेली खूब आनंदित होती। महालक्ष्मी नाम के हाथी को हम यहाँ देवी का विशेष परिवार में मिलाकर उसको हम यहाँ पोषण करते हैं। हमारा यौवन लक्ष्मी है, वो बहुत मृदु स्वभाव का हाथी है, वो खेल खेलने में तो बहुत अच्छे से लगता है सबको, इसलिए वो क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, ये सब खेलता है। और जो पानी है, पानी में तो मिल के बहुत अच्छे से खेलने शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।